हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ मेहंदी। एक्चुअली जब से नवरात्र लगी है उसके पहले से ही मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी निकालूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। और आज टाइम मिला भी तो मैं ऐसे टाइम पर निकाल रही हूँ ना, मैं आगे बताती हूँ आपको। और पाँव पे ऐसी मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से मेहंदी निकालना है और उंगलियों की हेल्प से उसे नीचे की तरफ खींच लेना है, तो एक डिज़ाइन बन जाती है। कैसी डिज़ाइन बनती है वो आप देख लो और आप भी बना सकते हो। जो लोग कुमकुम का करते हैं ना, जो रेडीमेड कुमकुम मिलता है बॉटल में, उस तरीके से करते हैं, तो उसी तरीके का ये मेहंदी वाला हो जाता है और बहुत पसंद आता है यार मेरे को तो। आप भी करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। पाँव ऐसे मतलब अच्छे दिखते हैं। और हाथों पे भी मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगा ली, सिंपल सी, एक हाथ बचा है उसमें मैं कल लगा दूंगी। पता है कितने दिनों से मैं बोल रही थी कि नवरात्र लगेगी तो मेहंदी निकालूंगी। नवरात्र के 4-5 दिन भी हो गए और आज फाइनली मैंने इस तरीके ऐसे ही मैंने मेहंदी सोची थी। कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाथ भर के नहीं, ऐसे सिंपल वाली भी पसंद आती है मुझे। बट ये मैंने कब से सोचा था कि मैं निकालती हूँ। आज मैंने फाइनली निकाली, पाँव पे भी आपको दिखाया। वैसी वाली भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी निकाली। लेकिन बहुत बुद्धू हूँ मैं, मतलब आज ऐसे टाइम पे मैंने निकाली कि अभी बस मैं आधा घंटा भी इसे रख नहीं पाई, अभी तक मेहंदी सूखी भी नहीं है। और मुझे इसे धोना है क्योंकि अभी बर्थडे में जाने के लिए तैयारी करनी है ना। मैंने ड्रेस निकाली है, साड़ी निकाली है, अभी तक मेरा खुद का डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, और ऊपर से ये मेहंदी लगाई है। तो जो मुझे कपड़े निकालने हैं अभी ऊपर रखे हैं मैंने वार्डरोब में, तो मेरी साड़ी आई नहीं है, तो ऊपर से निकालनी है। एक बार मैंने सोचा कि चलो चेक तो कर लेते हैं कि वैसी कुछ साड़ी है क्या, क्योंकि साड़ी अभी सच बताओ तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं। उसमें से भी लाइट वेट साड़ी ढूंढना, मतलब देखते हैं कि है या नहीं। तो इसे मैं धो लेती हूँ अभी, इसी पे वापस मैं एक बार रात को तो टाइम मिलने नहीं वाला है आज। कल दोपहर में फिर से वापस टाइम मिला तो इसी के ऊपर फिर से कर दूंगी। और ये हाथ के ऊपर तो निकालना है तो इसे भी कल ही कर दूंगी। चलिए अभी देखती हूँ साड़ी या ड्रेस या वन पीस जब पहनूंगी तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या पहना है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीता एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और आज मैंने मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर कर चुकी हूँ मैं, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी मुझे जाना है बर्थडे में। तो उसके लिए मैं करने वाली हूँ मेकअप, लेकिन आज मैं कोई मेकअप वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं ना इतने मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इतने डिटेल में आपको बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप ना मेरे ब्यूटी वाले वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हो। तो मैं आज बिल्कुल भी आप लोगों के साथ कोई मेकअप वाला वीडियो शेयर नहीं करूँगी। पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं प्लीज़ उसे जाके देखो, मैंने जितना हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन देने की उसमें कोशिश की है। बट आज एक छोटी सी टिप मैं और देना चाहूँगी कि जब भी आपको बाहर जाना रहो और मेकअप करके जाना है, आज भी मैं कोई हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ, नीचे गार्डन में ही पार्टी है तो विदाउट फाउंडेशन ही मेकअप करूँगी। लेकिन अगर हम जो भी लाइट मेकअप या हैवी मेकअप भी करते हैं ना, तो उसे अगर हम एक घंटा पहले करके रखेंगे तो एक घंटे में वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर दिखने लगेगा, सेट हो जाएगा, और तुरंत हम जब मेकअप करके बाहर निकलते हैं तो एकदम पैची सा दिखता है, ऐसे लगता है कि चेहरे पर बहुत सारा प्रोडक्ट लगाया हुआ है। तो जब एक घंटा पहले हम करते तो वैसा वो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो इसीलिए अभी मेरे मतलब सिर्फ मैंने फेस वॉश कर लिया है, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र और टोनर में नहीं लगाऊंगी, मॉइस्चराइज़र, और अभी दोपहर में जाना है तो आपको लगाना है सनस्क्रीन, तो सिर्फ मैं मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगा दूंगी और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो ये अभी तो सिर्फ 6:30 बजा है, मुझे जाना है 7:30 को, 15 मिनट में मेरा मेकअप हो जाएगा और आधा से एक घंटा मुझे सेट होने में मिलेगा तो अच्छा दिखता है। तो ये है एक टिप, और अभी तक आपने मेरे ब्यूटी वाले या मेकअप वाले वीडियो नहीं देखे ना तो ज़रूर जाके चेक कर लेना, जितनी हो सकती है उतनी मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो चलिए फिर मैं अभी मेकअप कर लेती हूँ, फिर साड़ी या जो भी ड्रेस मुझे पहनना है वो ऊपर से निकालना है तो वो निकाल लेती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंडिंग में मैं एक ब्यूटी वाली प्लेलिस्ट आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ उसे जाके चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे रियांश सोया था, इवनिंग हो चुकी थी तो उसको उठाना था, उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो बेचारा सोया था, उसको उठा दिया। और ऊपर से मुझे अभी साड़ी निकालनी है, पहले तो मैं साड़ी ही चेक करूँगी क्योंकि हम सबका डिसाइड हुआ है कि साड़ी पहनना है, ऊपर से गुजराती साड़ी पहनना है। लेकिन गुजराती साड़ी पहनना मेरे बस की बात नहीं, सिंपल पहन लूँ वही मेरे बहुत बड़ी बात है। तो एक एक करके मैं देख रही थी, वैसे भी मेरे पास सच बताऊँ तो ज़्यादा साड़ियाँ हैं नहीं, और है भी तो बहुत हैवी वाली, हैवी आई मीन उसमें गरबा नहीं हो सकता, तो वो तो मैं देखूंगी नहीं। तो
एक एक करके मैंने सारी साड़ियाँ देख ली, मतलब ऊपर से ही मुझे पता चल गया कि कौन सी पहनने लायक है, और फाइनली मैंने ये वाली सिंपल, एकदम सिंपल वाली साड़ी डिसाइड की है पहनने की। और गुजराती स्टाइल में मैंने एक बार ट्राई करके देखा तो मुझे लगा पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, तो वैसे भी मुझे आती भी नहीं है गुजराती कैसे पहनना है, और जस्ट एक पल्लू डाल के देखा लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो नॉर्मल जैसी पहनती हूँ उसी तरीके से एक ओपन पल्लू लेके मैंने साड़ी डाल दी है, और देखते हैं अभी इस पे कैसे गरबा होता है, मुझे खुद को ही नहीं पता। और गले में मैं कुछ भी नहीं पहनूंगी, इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज थोड़े से मल्टी कलर वाले इयररिंग्स हैं वो डाल देती हूँ। और हमेशा ना मेरा बालों की हमेशा वही रहता है कि मैं बालों के साथ क्या करूँ, मेरे मेकअप तो मैं कर लेती हूँ, बाकी जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन मेरे बालों का कोई भी लुक चेंज नहीं कर पाती हूँ, मुझे ना हेयर स्टाइल आती है ना मेरे बाल जमते हैं अच्छे से। और ये देखिए इस तरीके से मैंने साड़ी डाली है, कैसी लग रही है ये आप कमेंट में बता देना। हो गए हैं रेडी, मैंने भी ब्लू पहना है, रियांश को भी ब्लू पहना है, और हमेशा की तरह रियांश को जल्दी है बर्थडे में जाने की, लेकिन अभी कोई भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पीछे से ही गार्डन दिखता है, तो मैंने देख लिया कोई भी नहीं आया है। अभी 10 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब अभी तक का मेरा फर्स्ट टाइम है ये बर्थडे में साड़ी पहन के जाने का, और इसीलिए हमेशा शादी में या फिर जब ट्रेडिशनल प्रोग्राम होता है तब साड़ी पहनी है, अभी ये फर्स्ट टाइम है। और ऐसी कोई साड़ी भी नहीं थी, एकदम सिंपल वाली हैवी थी, और इसमें थोड़ा बहुत गरबा हो जाएगा आई थिंक सो, नहीं हुआ तो मैं इसे चेंज कर डालूंगी। हाँ तो मैंने सेम ऑक्सीडाइज चूड़ी थी इतनी, एक हाथ में वॉच पहन ली और एक हाथ में चूड़ियाँ, और गले में कुछ नहीं डाला है, सिंपल ही रहने दूंगी तो बहुत ज़्यादा ओवर दिखेगा, और ये इयररिंग्स डाल दिए। तो हम लोग रेडी है, बस अभी बर्थडे में जाएंगे। और गले में डालने के लिए भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, लेकिन फिर वो ज़्यादा हो जाता, वैसे भी बर्थडे पार्टी में जाना है तो सिंपल ही लुक अच्छा दिखेगा। और मेरी ना आवाज़ थोड़ी सी आज ख़राब है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो प्लीज़ आप मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, थोड़ी सी खराश है तो इसलिए आवाज़ कम भी है और ख़राब भी है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। हेलो, आज है संडे और कल रात का तो मैंने वीडियो शेयर कर दिया था,
लेकिन साड़ी पहनी थी उस पर मैंने गरबा किया, क्योंकि मैंने सोचा इसके बाद तो कभी साड़ी पहन के स्पेशली गरबा करने जाऊंगी नहीं, तो उसमें एक बार करके देखती हूँ। तो थोड़ा सा करके देखा, हो रहा था लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो रहा था, तो फिर मैं चेंज करके गई और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैंने मोबाइल ही नहीं लिया हाथ में। थोड़ा सा वीडियो शेयर किया है और वो भी विदाउट सॉन्ग आएगा, मतलब सॉन्ग हटाना पड़ेगा, तो वो पता नहीं कैसे दिखेगा आप। और उसके बाद फिर 12:30 बजे तक तो हम नीचे ही थे, फिर मैं ऊपर आई सब चेंज करने में, और बाकी सब करते करते मुझे 1:30 बज गया। और आज मैं वीडियो को एंड करूँगी। कल का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत छोटा छोटा पोर्शन मैंने शेयर किया है, सो अगेन थैंक यू। और कल एक नया वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।